नमस्कार दोस्तों, जब किसी इंसान को हार्ट अटैक होता है या दिल के दौरा पड़ता है तो वहाँ के आसपास के लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस पेशेंट को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, बचाइएगा कैसे? जब जानिएगा तब ना बचाइएगा, नहीं तो कहाँ से बचाइएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको आप लोग कैसे बचा सकते हैं मात्र 2 से 3 रुपया में, ठीक है? और बचा कर क्या करना चाहिए जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आए तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सकें। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो आप जानिएगा तब ना बचाइए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर हार्ट अटैक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में जितना खून होता है, शरीर में एनी टाइम क्या होता है कि प्रवाह होते ही रहता है। दोस्तों, ये प्रवाह करने का काम कौन करता है? तो हम लोग का हार्ट करता है। हार्ट इस तरह पंप करता है ना, तो हम लोग के क्या होता है कि शरीर में जितना वेन होता है वहाँ पे सब ऑर्गन्स में, मान लीजिए ऑर्गन्स में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होते रहता है। दोस्तों, हम लोग का जो हार्ट होता है एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। उसमें जो है दो दो चेंबर होते हैं, यानी कि हार्ट का हम लोग का 4 चेंबर होता है, ठीक है? और यानी कि 2 भाग में बटा गया है। तो हम लोग का जो दायां वाला जो हार्ट का भाग होता है ना, वह क्या करता है कि पंप कर फेफड़ा में ब्लड को भेज देता है। जब फेफड़ा में जब ब्लड जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ पर ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है, ब्लड। और फिर ऑक्सीजन बनकर क्या करते हैं कि हार्ट को भेज देता है बायां साइड में, ठीक है? जब बायां साइड में जब आता है तो वही बायां साइड वाला हार्ट क्या करता है कि उसको पंप कर फिर क्या करता है कि वह पूरा दुबेरा पंप कर फिर क्या करते हैं कि पूरे शरीर में भेज देता है, ठीक है? पूरे शरीर में भेज देता है, तो यानी कि पूरा ऑक्सीजन हम लोग का पूरा बॉडी शरीर में चली जाती है। यानी बायां ही से जब पंप कर भेज देती है तो हम लोग का पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाती है। इसलिए दोस्तों, हम लोग का जो हार्ट जो है तब अटैक होता है जब हम लोग को हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाता है। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है ना, तो वहां का जो जितना कोशिका होता है वह क्षतिग्रस्त होने लगती है, यानी कि मरने लगती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक होने लगती है। तो हार्ट को ब्लड क्यों नहीं मिलता है? तो हो सकता है कि हार्ट का जो चेंबरिंग होता है ना, चेंबर होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता होगा, यानी चर्बी, जिसके कौन से हार्ट को ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है और उसको सही समय पर नहीं मिल पाता है, जिसको जैसे हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है, आप लोग कैसे पहचानिएगा कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, जानिएगा तब ना उसको बचाइएगा। तो यह ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा हार्ट अटैक का लक्षण, ठीक है? देखिए, बहुत आसान तरीके से बताने वाला है। देखिए, जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आएगा ना, तो समझ लीजिए कि सीना जो है ना, सीना में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा। वह दर्द आपको जेबरा से लेकर, यहां से लेकर और सीधा जो हाथ दिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड हाथ पूरा नीचे पर दर्द होने लगता है। वह इतना तेज दर्द होता है सीना में कि पूरे शरीर पसीना पसीना हो जाता है, और सबसे ज्यादा पसीना आपको चेहरे पर, दिमाग पर देखा जाता है, और पूरे शरीर में भी आपको देखा जाता है पसीना। और कभी कभी आप किसी किसी आदमी को देखे होंगे कि जब उसका हार्ट अटैक होता है ना, तो आदमी चलते रहता है चाहे बैठे रहता है, बस एक बैग इस तरह गिर जाता है, ठीक है? तो वह भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। और आँख के सामने एक बैग अंधेरा छा जाना, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सब जो लक्षण जो हमको बताए हैं, ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है? या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए, कभी भी किसी के साथ अगर होए तो आप तुरंत उसको बचा सके, क्योंकि इसका उपाय हम बताने वाले, मात्र 2 से 3 रुपये में आप उसको जान बचा कर तुरंत डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, ठीक है? तो उसको कैसे बचाना चाहिए, तो आप लोग तो हार्ट अटैक का लक्षण पहचान गए, और पहचान कर तो आप लोग सोचेगा कि अब हम करें से तो क्या करें, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आएगा तो आप सबसे पहले उसको देखिए कि हार्ट अटैक हो गया तो जहाँ पे आदमी है वहाँ पे उसको बैठा दीजिए, ठीक है? इतना अच्छा से बैठा दीजिए, वहाँ पे बैठा कर पहले तुरंत आप क्या करें कि एम्बुलेंस को पहले फ़ोन कर दीजिए, या कोई अगल बगल में आपको गाड़ी है वहाँ पे फ़ोन कर बुला लीजिए, ठीक है? उसको आने में भी समय लगेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने में भी समय लगेगा। तो उसको बैठा कर, या तो कुर्सी है तो कुर्सी पर बैठा दीजिए, चाहे ज़मीन है तो ज़मीन पर ही बैठा दीजिए, जगह है वहीं बैठा दीजिए, ठीक है? और क्या करिए कि उसके शरीर पर जितना जो कपड़ा है ना, उसको तुरंत हाली हाली खोल दीजिए, या टाई लगाया तो टाई भी हटा दीजिए, यानी कि टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़ा पहनेगा ना तो ब्लड सप्लाई में से ही दिक्कत होता है, जिसको उससे हार्ट अटैक होता है। तो इसको जो है ना पूरा खोल दीजिएगा, ठीक है? और आपको हम बता दे रहे हैं कि 1-2 रुपये का टैबलेट आता है, यानी 1-2 रुपये में आपको मिल जाएगा,
तो उसका नाम है इको एस्पिरिन 300 mg। जी हाँ, इको एस्पिरिन 300 mg आप ले लीजिएगा, उसको दूध दे दीजिएगा चबाने के लिए, वो चबा चबा कर वो खा जाएंगे, ठीक है। और एक सोर्बिट्रेट आता है, सोर्बिट्रेट जो है 10 mg का आता है, जिसको जीभ के नीचे रख दीजिएगा, जो देख रहे हैं ना सोर्बिट्रेट है, इसको जीभ के नीचे रख दीजिएगा तो सीना में दर्द नहीं होगा, ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन उसको मिलते रहेगा, ठीक है। और यह 2 टैबलेट आप एनी टाइम रख ले रहिएगा, अगर आपको पहले से हार्ट का बीमारी है या आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम अपने पॉकेट में जरूर रखिएगा, क्योंकि यह जो मेडिसिन 2 मेडिसिन है जो कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है, ठीक है, यानी पूरा डैमेज आपको नहीं होने देगा। डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब आपको इलाज कर आपको बचा सकते हैं। इको स्प्रिन है दोस्तों, वह जो है ब्लड को पतला करता है, ठीक है, ब्लड को पतला कर वह चल जाएगा, कहीं भी रुकावट उसको नहीं, हल्का भी अगर लीकेज मिल जाएगा ना तो वह अपना चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इको स्प्रिन और सोर्बिट्रेट का प्रयोग जरूर करिएगा, ठीक है, या अपने पास जरूर रखिएगा ताकि आपको हार्ट से बचाया जा सके, हार्ट अटैक से, और डॉक्टर साहब आप लोग सही से इलाज कर सके। तो दोस्तों आप लोग यहां तक समझ गए, और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि उस पेशेंट को बोलिएगा कि बहुत गहरे गहरे सांस ले, ठीक है, जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है दम गहरे गहरे सांस लीजिएगा, यानी सांस लेगा ना तो उसको ऑक्सीजन जो है फेफड़ा को और मिलते रहेगा, जब फेफड़ा को ऑक्सीजन मिलेगा या हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा तो पूरा जो है अपना क्या करेगा कि यानी कि इम्यूनिटी यानी समझिए कि मजबूत करके रखेगा, ऑक्सीजन मिलेगा सब ऑर्गन्स आपको काम करने लगेगा, ठीक है, तो इसको आप मजबूत करके जरूर रखिएगा। अगर आप लोग इतना तक कर ले रहे हैं तो आपको समझिए कि एम्बुलेंस आने तक और डॉक्टर के पास जाने तक आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा, और डॉक्टर साहब लोग को भी समय मिल जाएगा। नहीं तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि पेशेंट को आधा स्थिति खत्म कर देते हैं, गाड़ी में जाते जाते और हार्ट अटैक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्टर साहब लोग भी नहीं बचा पाते हैं। इसलिए आप लोग इसको उपाय जरूर रखिएगा, 2 टैबलेट आप एनी टाइम जरूर रखिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जरूर मदद करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अच्छा से रहिएगा।